दीवार में लगवाते हो तो कभी भी दीवार में छोड़ो। आपने कई बार पेपर पिंस को लगाया होगा पेपर के ऊपर, तो वो पेपर पिन की शेप क्या है ये, तो कभी ट्राई किया है कि ये उसकी हेड जो है उसको अंदर डाल दिया जाए, उसको पेपर के पॉइंट्स के ऊपर लगा के किया जाए बंद, उसको पेपर को टाई किया जाए? नो, व्हाई? क्योंकि इसका एरिया बड़ा है, इस पिन की निब का एरिया जो है वो छोटा है। इफ दिस निब इज ब्लंट, अगर ये निब जो है वो तिक्खी नहीं होगी, नोक जो है वो शार्प एज नहीं होगी, व्हाट यू विल फील, यू फील लिटिल बिट हर्टेड ऑन योर दिस पार्ट, आपके थंब के ऊपर अगर आप उसको प्रेशराइज करोगे तो वो आपको पेनफुल होगी, क्योंकि आपको जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा उसको पेपर के ऊपर लगाने के लिए। सो इट मीन्स दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल यू एवर हैव सीन। सेम वे में आप आयरन नेल भी ले रहे हो जिसको आप दीवारों में लगवाते हो कुछ चीज हैंग करने के लिए, तो वॉट यू विल डू, आप हमेशा उसकी टिप को उस दीवार के अंदर ठोकते हो, कभी भी उसकी हेड साइड को दीवार में नहीं ठोकते हो, जिसकी वजह से उसका जो प्रेशर है वो ज्यादा होता है और वो जल्दी उस दीवार में लग जाता है। देन कम्स द नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रेशर इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। हमने जो अभी किया प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया, तो वो फॉर्मूला ही था थ्रस्ट ओवर एरिया। थ्रस्ट मतलब हमने परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखनी है, तो फोर्स ओवर एरिया आ गया। सो अब यहाँ पे ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि एरिया में डायरेक्शन मेंशन नहीं करते हम, एरिया लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। मैंने अभी जो ब्रिक बनाई थी तो उसमें ब्रिक में देखो एक डायरेक्शन ये भी है एक ये भी है, सो इट इज टू डायमेंशनल, डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड, सो हेंस वी कंसिडर प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर इसके यूनिट के अकॉर्डिंग देखें तो प्रेशर P इज इक्वल्स टू F ओवर A। व्हाट इज F? इट्स न्यूटन अगेन, एरिया इज मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर देखें तो दैट इज द यूनिट फॉर प्रेशर, PRESSURE। तो प्रेशर का यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट वी हैव गिवन वन स्पेशल नेम, एक साइंटिस्ट के नाम से इसका नाम जाना जाता है, दैट इज पास्कल। इसको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं।